चलिए यूनिट जो है 14 शुरू कर रहे हैं, 40 यूनिट 40 है। इस यूनिट 40 से आगे कंटिन्यूअस 41, 42, 43, 44 और 45, 6 तक लेकर के सारे यूनिट डिपेंड्स करते हैं किस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे। देखो आम भाषा में कॉन्ट्रैक्ट बड़ा आसान सा शब्द लगता है, लेकिन जब इसकी हम लीगैलिटी पे जाते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे उस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ ही नहीं। तो हमें क्या पढ़ना है इस एक्ट में, पहली बात तो बैंकिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अगर डिपेंड करती है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर करती है, क्योंकि एवरीथिंग रिटेन एंड साइन एंड एग्रीड वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन उसके क्या है, कुछ लीगल पॉइंट्स हैं वो हमें समझने हैं क्या है। जब तक हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझेंगे तब तक हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और वो सारे फैक्टर्स नहीं समझेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सा क्लॉज है। पहला देखिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी। अगला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अगला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, प्लेज। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और बस कॉन्ट्रैक्ट इतने ही। तो ये 5 जो है कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहला जो यूनिट है उसमें तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री में कितने तरह के, 5। अब क्वेश्चन क्या आएगा, आउट ऑफ दीज विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने 3 यहां से ले लिए, एक कोई नया शब्द लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ऑड आउट भी करा देता है कभी, तो अब सब जिसने टॉपिक का नाम ही नहीं पढ़ा वो गड़बड़ कर दिया। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, इतने तरह के कॉन्ट्रैक्ट है। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है, बताओ ये कब का है, 1872। अंग्रेज लोग बना के चले गए थे क्योंकि वो लोग क्या थे, लीगल पॉइंट में बहुत स्ट्रांग थे, ठीक। तो इसमें आप देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 घंटे में पूरी यूनिट्स हो जाएंगी। सबसे पहले है देखिए पेज नंबर 348 निकाल लीजिए, ये लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द एक्ट इज ब्रॉडली डिविजिबल इंटू 2 पार्ट, पार्ट 1 डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकेंड पार्ट स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसमें भी हम समझ सकते हैं कि जब हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, क्या होगा, जनरल। और दीज काइंड ऑफ कैसे कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड पार्ट क्या होगा, स्पेसिफिक, ये लिखा हुआ उसमें। तो दे आर 2 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट और एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब इसके अलग अलग क्या होंगे, नाम होंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, सबसे पहले इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा कम से कम एटलीस्ट, अच्छा एटलीस्ट 2 पर्सन। अब यहां पे इसकी खूबी देखिए, 2 पर्सन से मतलब क्या है, क्या 2 पर्सन से मतलब इंडिविजुअल आदमी, एक कंपनी हो सकती है, बिल्कुल लीगल पर्सन भी हो सकता है, कंपनी, ट्रस्ट और आपकी फर्म, ये सब क्या आ गए, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट हो सकते हैं। लेकिन ये कम से कम कितने होंगे, एटलीस्ट 2 होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। और देखिए आगे एक वर्ड लिखा है द एग्रीमेंट, तो सबसे पहली बात वर्ड आ गई, ये इन दोनों के बीच में एक क्या है, सबसे पहले एग्रीमेंट। यहां से आपका एक क्वेश्चन शुरू होता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, पहली बात कि कुछ ना कुछ समझौता या कुछ तय होना एग्रीमेंट। उसके बाद बोला इनफोर्सेबल, क्या बोला, इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा द एग्रीमेंट मस्ट बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। इनफोर्सेबल का मतलब है कि जब आप कानून के दरवाजे में जाएंगे तो वो जो जज है या कोर्ट है वो आपकी बात सुन पाए। इनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, कानून की नजर में वैलिड होना या कानून उस पर काम करे आगे, आपकी रिक्वेस्ट को आगे सुने। अगली बात क्या बोलता है,
फ्री कंसेंट। अब ये इन्फोर्समेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कभी भी तब हो सकता है जब पहली बार होती क्या होता फ्री कंसेंट, यानी कोई दबाव में ना किया हो, पहला एस्पेक्ट आ गया। दूसरा क्या बताइए, पढ़िए वो पॉइंट लिखे हुए, क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन पक्का, ये चार पॉइंट लिखे हुए। दूसरा बोलता है लॉफुल कंसिडरेशन, अब इसको सुन लीजिएगा, लॉफुल कंसिडरेशन। तो लॉफुल कंसिडरेशन से मतलब ये है कि भैया मैंने किसी से मेरी दुश्मनी थी, मैंने किसी बंदे को बुलाया, उसे कहा भैया 10,000 रुपए ले लो, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया और उसका मर्डर कर दो, तो ये क्या हुआ? हुआ लॉफुल, लेकिन क्या बोलता है लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुआ उसका, कंसिडरेशन किस किसके काम के लिए, मर्डर के लिए नहीं। तो जिस काम के बदले में किया जा रहा है कोई भी चीज, वो चीज लॉ के अकॉर्डिंग ओके होनी चाहिए, उसको मना नहीं होती। अगला बोलता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंसीडरेशन से मतलब होता है उसके बदले में क्या मिलेगा तो उसे, ठीक है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट है कि उसका उद्देश्य लॉ के अकॉर्डिंग ओके होना चाहिए। आगे क्या बोलता है, फिर बोलता है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, ये चार बातें आ गई, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, इसका मतलब क्या है वॉइड, डिफॉल्ट नहीं, वॉइड का मतलब होता है ना होना, खत्म हो जाना, कैंसिल हो जाना, वॉइड का मतलब खत्म। तो लॉ ने उसको मना ना किया उस काम को, लॉ क्या है अधिकतर आती चीजें कि भाई अब से ऐसा नहीं होगा, अब से जो है 18 साल के बच्चे गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो ये क्या लॉ ने वॉइड कर दिया उस बात को, लॉ ने मना कर दिया कि ऐसा खारिज नहीं, हाँ खारिज कर दिया, वॉइड माने एक से खारिज कर दिया, टर्न डाउन, ठीक है। तो बोलता ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो आप देखो उसमें फॉर्मूला लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी को मिला करके, अगर दोनों चीजें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी उसमें है तो क्या कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अब बोला की कंपोनेंट फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में पहली बात तो उसने बोली दो लोग होंगे, उन दो लोगों में देखो उनके नाम आ जाते हैं कभी कभी, नीचे देखिए लिखा हुआ है क्या बोलता है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट होने से पहले ये जो एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट किस चीज का हुआ, कुछ लिखा गया होगा, तो मेकिंग वाला क्या कहलाएगा जिसने ये लिखा, क्या लिखा हुआ देखो प्रपोजर, क्या लिखा हुआ प्रपोजर, कि मैं अपनी कार 10,00,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, ये प्रपोजल हो गया। तो उसमें लिखा हुआ देखो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज द कॉल्ड प्रोमिसर, प्रोमिसर। दूसरा क्या लिखे, और जिसके लिए बना रहा है उसको क्या बोल रहा है प्रोमिसी, एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, मेकिंग फिर क्या है एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग किस चीज की प्रपोजल की एक्सेप्टिंग क्या कहलाएगा प्रॉमिस, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले बोलता है प्रपोजल ने एक्सेप्ट एक्सेप्ट है, वो भी प्रॉमिसर नहीं प्रॉमिसर है, अच्छा प्रॉमिसर है कि प्रॉमिसी है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखिए, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले बोलता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि जब तक प्रपोजल ना हो और उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस ना हो, ये दोनों चीजें ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है किसी चीज में कुछ लिखा था, दो लोग थे, एक ने बिना पढ़े उसको साइन कर दिया, बिना पढ़े उसको साइन कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मौजूद है लेकिन ये सही नहीं आया, वो प्रपोजल नहीं पढ़ा ना, साइन करना का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, साइन करना का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं, उस चीज को समझ के साइन करना ही क्या है। तो कई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जैसे बैंक में पहले होता था कि साहब हमारा तो हम तो लोन नहीं देंगे, ये तो बैंक वाले ने कहीं साइन करा ली, मैं तो अनपढ़ आदमी था, तो बैंक क्या करता है इसके लिए
विटनेस लेता नहीं लेता, तो उसकी ये इसका मतलब क्या है? वो प्रॉमिसी बनने से पहले एक्सेप्टिंग जो कर रहा है, एक्सेप्टिंग और समझे वो क्या कर रहा है, ठीक है? आगे देखिए फिर क्या है, इसमें एग्जांपल वगैरह कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अगला बोला इसने एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, जो एग्रीमेंट हो सकता है वो कैसा हो सकता है? ओरल, और कैसा हो सकता है? रिटन। ओरल को चैलेंज कैसे करते हैं सबको बताते हैं, मंगनी होती है ओरल तो होती है, शादी होती है, हाँ कोर्ट में चैलेंज होती है, शादी होती है ओरल ही है। वो तो आजकल क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, तो शादी क्या ओरल तो है, विटनेस चाहिए। हाँ भाई ठीक है, लड़का पसंद है लड़की पसंद है, हाँ शादी हो रही हो, तो उसको वहां पे प्रूफ करना पड़ता है, इसीलिए तो लोगों को बुलाते हैं। हाँ एक बारात जो कहते हैं ना, वो इसका मतलब यही कि इतने लोग गवाह होते हैं उस चीज, हाँ जी परसों हुई तो थी शादी इसकी, ठीक है। आप देखो आई क्या, तो क्या बात है इसमें, तो एग्रीमेंट कई बार यहाँ फंस जाते हैं बच्चे, एग्रीमेंट ओरल भी होता है, और खास कर से सोसाइटी वाले जितने एग्रीमेंट होते हैं वो सारे ओरल होते हैं, रिलेटिव्स वाले, रिलेटिव को प्रॉमिस है वो सारे क्या होते हैं, ओरल होते हैं, ठीक। और क्या बोलता है, कंसीडरेशन, क्या बोलता है? अच्छा एक चीज और देखो इसमें, इसी में जहां पे लिखा हुआ है ना ओरल, उसमें लिखा हुआ अंडर सर्टेन लॉज एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी राइटिंग ओनली एंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अब देखो पहली बार दो तरह के होते हैं, लेकिन कुछ खास तरह के एग्रीमेंट बिना रिटन नहीं हो सकते, और कुछ खास तरह के एग्रीमेंट रिटन के बाद भी रजिस्टर्ड होने जरूरी है। जरा मुझे एग्जांपल दे दो कि कौन से एग्रीमेंट आपके रजिस्टर्ड होने जरूरी होते हैं, जो अपने हुआ है जैसे लोन लेने के, तो रजिस्टर्ड होते हैं, आपने पर्सनल लोन ले लिया कहीं से, कंपनी भी रजिस्टर्ड होती है ना, नहीं नहीं नहीं, हम इसमें किसके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड, तो मुझे वो एग्जांपल दे दो जो एग्रीमेंट मस्ट है कि वो रजिस्टर्ड होगा। अरे जमीन की सेल, जमीन की सेल, हाँ जमीन की सेल बिना रजिस्टर के वहां रजिस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाती, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो वो क्या है, और ओरल रिटेन, और रिटेन के बाद भी क्या रजिस्ट्रेशन, तो कुछ चीजें बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जैसे सिंपल बताते हैं आपको, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिटेन है, सेलर ने बेच दिया, सेलर ने लिख के दे दी रसीद दे दी, तो आप गाड़ी चला सकते हैं क्या? नहीं, उसको क्या है वहां पे मोटर व्हीकल एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। अच्छा टीवी ले लिया आपने, उसे रसीद काट के दे दी, हाँ काफी है, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। तो समझ में आई, कुछ चीजें रजिस्टर्ड होती, रिटर्न जो होती है उनको रजिस्टर कराना भी जरूरी होता है। आगे देखिए, अब आता है अगला पॉइंट कंसीडरेशन, क्या आ गया कंसीडरेशन, आप देखो कंसीडरेशन का, कंसीडरेशन का वर्ड लिख रहा हूं मैं, बदले में इन लियू अलग चीज होती है, इन लियू का मतलब उसके स्थान पर, इन लियू का मतलब होता है एक चीज बदल के दूसरी करना, एवज में, हाँ हाँ ठीक है, ये है एवज में, कि उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है जी, हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाँ तुम उसका मर्डर कर देना, चलो मर्डर छोड़ दो, उसने कहा तुम जो है मेरे बच्चे को अपनी गाड़ी से वहां छोड़ देना, स्कूल छोड़ देना, तो इसमें क्या कंसीडरेशन नहीं है कि भाई मैं उसके लिए मैं 50 रुपए दूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, वो तो क्या एक रिक्वेस्ट हुई और उसने मान ली, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कंसीडरेशन होना चाहिए कि इसके बदले में क्या मिलेगा। तो ये जितने वर्ड यहां लिख रहे हैं ना, ये जितने वर्ड यहां लिख रहे हैं, दो या तीन क्वेश्चन इन वर्ड से आएगा, अभी तो हम टॉपिक में गए नहीं अंदर दूसरे वाले में, अभी तो हम यहां नहीं गए, तो जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ना, ठीक। तो कंसीडरेशन होना चाहिए, और वो कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, कंसीडरेशन तो होना चाहिए लेकिन वो क्या होना चाहिए, लॉ। जैसे मैं बताता हूं कि भाई आप मुझे जमीन का टुकड़ा दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा, कंसीडरेशन है लेकिन लॉफुल, लॉफुल
लॉ में गुलामी करना, बनवा मजदूरी मना है, ठीक हो गया, है कंसीडरेशन लेकिन लॉफर नहीं है। आगे देखिए उसमें, उसने बोला देखिए समथिंग इन रिटर्न बोल दिया ना उसने, फिर बोलता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन है इसमें, मेकर, मेकर क्या है इसका, प्रोमिसर है, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, क्या बोलता है इसमें, द प्रोमिसी ऑफ और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें बहुत बार आया हुआ, ये काम कुछ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना करने के लिए भी होता है। एब्सेंट फ्रॉम डूइंग का मतलब है उसको उस वो ना करने से कि भाई कि आज ये मैं आपको 100 रुपए देता हूं, ठीक है, कल से आप जो है मेरे घर के आगे से गाड़ी चला के नहीं जाएंगे, ठीक है, ये क्या हुआ, एक एब्सेंट फ्रॉम डूइंग मतलब कि किसी काम को ना करने की एग्रीमेंट भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो करने देना या ना करने देना। अगला पॉइंट क्या है, डस और एब्सेंट, तो पहला वाला है वो कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब किया है और कर रहा है, अब की बात है क्या है, करता है या करने से रोकता है, वही चीज है, ग्रामेटिकल है। प्रोमिस टू डू और टू एब्सेंट, तो ये तीनों वर्ड है, केवल उनको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में डिफाइन किया हुआ है, करा कर रहा है, करता है करेगा, ऐसे कर कोई भी चीज, ठीक है, तो तीनों बार मानेंगे। अच्छा आगे देखो इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन बिल्कुल छोड़ दो, जो मैंने समझा दिया आपको बात उसे समझ में आ गई होगी कि ये है, ठीक, आगे जाओ। अगला होता है फ्री कंसेंट, कंसीडरेशन हो गया, कंसीडरेशन कैसी होनी चाहिए, हाँ वो ठीक है, और उसके अलावा फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट से मतलब क्या है, खाते में डाल दिए, सब कुछ हो रहा है, कंसीडरेशन लॉफुल तो है कि भैया मकान बेचा और 1,00,000 रुपए ले लिए, कंसीडरेशन भी है, लॉफुल भी है, मकान बेचा पैसे ले लिए, लेकिन फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट यानी कि दोनों लोग फ्रीली उसको एक्सेप्ट करें, उसको एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉइंट आएंगे। आगे देखिए कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी, कैपेसिटी से मतलब क्या है कि जो दो बंदे हैं ये कौन, कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हो रहा है, प्रोमिसी प्रोमिसर, प्रोमिसी और प्रोमिसर के बीच में हो रहा है, इनिशिएट कौन प्रोमिसर करता है और एंड कौन करता है, प्रोमिसी करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। एग्जांपल के लिए देता हूं, माइनर, दिवालिया, इंसॉल्वेंट और पागल, लुनेटिक बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसा कोई भी जिसको लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया हुआ। अच्छा अब एक बात आती है, क्या माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कर सकता है आप जो है साइलेंट कंसेंट दे रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं इसके मिनिमम बैलेंस चार्ज दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो भी क्या है, अकाउंट खोलना इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, वो सब यहीं पर है, ठीक हो गया। तो इसमें हमने क्या बात करी, कैपेसिटी होनी चाहिए, कितने बिंदु लिखे हुए देखो कैपेसिटी में, तीन बात बोली हमने, तीनों बात हमने बोल दी, एक तो बोला हमने मैच्योरिटी, वो माइनॉरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी होनी चाहिए, माइनर कभी भी क्या होता है कॉन्टेक्ट करने के लिए वैलिड नहीं होता, दूसरा बोला साउंड माइंड, पागलपन नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात है कि सब कुछ है, हाँ किसी भी आप इसके साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेगा, दो तरीके होते हैं बताने के, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताना, नेगेटिव बताना, हम ये कह रहे हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए लेकिन लुनेटिक नहीं होना चाहिए, तो अगर हम बात करें कि नहीं होना चाहिए
तो कौन नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, नहीं हाँ तीनों पॉइंट होते हैं, माइनर नहीं होना चाहिए और दूसरा पागल नहीं होना चाहिए, तीसरा कोर्ट ने उसे मना ना किया होना चाहिए। ठीक है चलो तीनों बातें हो गई। अच्छा अब माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आता है आपका, ये आता है आपका वो जो पीछे जो केस लॉज है ना उसमें ये सेक्शन याद रख लो आप लोग, कौन सा है माइनर के लिए, माइनर को सेक्शन 11 में क्या कहा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है कुछ एक्सेप्शंस के साथ वो वैलिड है जहां पर उसको सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए एंट्री करने की परमिशन दी जाती है। और इसको बताएं आपको एजुकेशन लोन होता है उसे माइनर साइन करता है, को बोरोवर होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन उसकी लायबिलिटी कब शुरू होती है, जब वो 18 से पूरा। हाँ तो उसमें लैंग्वेज इस तरह की लिखी है, फ्रेश मैंडेट लेना पड़ता है नहीं 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 नहीं, नहीं वो एक्चुअली इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उसके उसके गार्जियन को पहले ही भरना होता है, उसमें लिखा होता है कि उसके बाद आप होंगे। ठीक तो क्या बोला उसने देखो, एज पर सेक्शन 11 माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ कितनी ईयर 18 साल। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एज अलग है, शादी के लिए एज अलग है, कई काम वोट के लिए अलग है, हर एक चीज के लिए क्या चीजें अलग। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी है 18, बट इफ अ गार्जियन हैज बीन अपॉइंटेड टू द पर्सन ऑफ द प्रॉपर्टी। कई केस ऐसे होते हैं कि कोर्ट, एक होता है माइनर, एक होता है माइनर का गार्जियन और एक होता है माइनर का अपॉइंटी, तीन वर्ड हैं। माइनर गार्जियन नेचुरल गार्जियनशिप से मिलता है, अपॉइंटी वो होता है सो कोर्ट क्या कहता है कि भाई अब इसका देखभाल ये करेगा, तो वो उसके बिहाफ पे काम करता है। फिर अपॉइंटी, अपॉइंटी कहां से कहता है, कोर्ट कहता है। ठीक है और अपॉइंटी वाले केस में किसी की माइनर जो एज है वो 18 से 21 पे जाती जाती है, यानी कि 21 साल बाद ही उसको क्या मानते हैं, मेजर मानते हैं, क्योंकि 21 साल तक उसकी चिंता खत्म हो गई, कोर्ट ने एक सुटेबल बंदा उसके लिए क्या है अटेंड वो अपॉइंट कर दिया। आगे बोलता है एन एग्रीमेंट मेड बाय द माइनर इज एब इनिशियो। एब इनिशियो ये वर्ड समझ लो, इनिशियो एब इनिशियो। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जो आएगा उसमें ऐसे 5-6 वर्ड लिखे होंगे कुछ, एब इनिशियो, प्राइमा फेसिया, इंटर एलिया, ये लीगल वर्ड्स हैं, ये लैटिन टाइप के वर्ड हैं, इनके मतलब होते हैं। तो क्या बोलता है एब इनिशियो का मतलब क्या है, शुरू से ही नहीं स्वतः निरस्त होना, क्या है स्वतः निरस्त। तो देखो लाइन क्या लिखी है, एन एग्रीमेंट मेड बाई ए माइनर इज अवॉइड एब इनिशियो, आपने आप ही मतलब उसमें कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्वतः निरस्त है, void ab initio, स्वतः void का मतलब निरस्त है, cancel है। ठीक, the principle behind this is that a minor is not supposed to have a mature judgment and hence the he cannot decide what is good or what is bad। ठीक है अच्छा उसके बाद एक और देखिए नीचे, एक केस दिया हुआ है, इन दिस केस अ माइनर बोरोड ए सर्टेन सम एज ए सिक्योरिटी टू रिपे इट, ही गेव द मॉर्गेज ऑफ सर्टेन इमोबल प्रॉपर्टी, लेटर ऑन द माइनर सूड फॉर सेटिंग असाइड द मॉर्गेज ही डिमांडेड इन रिटर्न ऑफ द मनी गिवन बाय हिम द माइनर, द कोर्ट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट मेड बाय द माइनर वाज एब इनिशियो, देयर वर नो क्वेश्चन ऑफ रिफंड मनी। समझ आई, इसीलिए एजुकेशन लोन के अलावा कोई लोन नहीं करता है, और अगर एफडी के अगेंस्ट करता है तो गार्जियनशिप को जोड़ के करता है। ठीक है ठीक हो गया चलो, कॉन्ट्रैक्ट एंड बैंकिंग। अब बैंकिंग में क्या है, ये बात मैंने थोड़ी सी पहले बता दी है कि भैया दुनिया भर के जो बातें होती हैं जहां पर भी कस्टमर किसी कागज में साइन करता है और वो कागज होता है बैंक का, बैंक उसका क्या है मेकिंग करता है, प्रोमिसर है, और वो बंदा क्या है उसका जो एक्सेप्ट करता है वो क्या है। तो ये जो पहला वाला टॉपिक है इस तरह खत्म होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे।